ये हमारा 9वां सीजन है, इससे पहले हमारे 8 सीजन हो चुके हैं। तुम्हें कहाँ कहाँ पे हुए बताओ। पिछला सीजन हमारा जो लास्ट सीजन 8वां सीजन था वो बेंगलुरु में हुआ था। प्रॉपरली तैयारी कर रही है। सो हमारे चेयरमैन साहब है, सीईओ साहब हैं, सोन लाल तुसिया जी ने वो दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं इस प्रे फ्रेम को तैयार करने। तो जय रे आंटी देखने वाले सारे दर्शकों का विक्रम की राम राम। और दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं गांव भादुगढ़ में मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत ही एक बड़े लेवल पर है गेम स्टार्ट होने वाले हैं। और मैं कैमरा मैन को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो तैयारी चली वो दिखाए। और यहाँ पर जो कल से है जो गेम स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अलग अलग राज्यों से जो यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर गेम होंगे। और आप ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर तैयारी चली हुई है और जो यहाँ पर तैयारी कर भी रहे हैं। अब हम इसके बारे में कुछ और जानकारी है जान लेते हैं। तो जी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मेरे साथ जो मोनू को जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है जय रे आंटी पर। जी थैंक यू जी, धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो जो जय रे आंटी की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि कल से है आपके। हाँ जी कल से। बड़े लेवल पर जो हाँ गेम जी होने जा रहे हैं। कल 6 बजे ओपनिंग है जी। हाँ जी हाँ जी। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे, इसमें कहाँ कहाँ से जो प्लेयर आने वाले हैं, इसमें सब किस किस इंडिया से, राज्य? अपनी इंडिया से टीम प्लेयर आने वाले हैं, हर एक स्टेट से बच्चे आने वाले हैं। हमारी 12 टीमें बनाई गई हैं और टीमें बनाई हैं जैसे महाराष्ट्र, बम्बई, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये टीमें बनाई गई हैं हमारी 12, कलकत्ता, गुजरात, और कल 7 बजे से हरियाणा का मैच है और दिल्ली का मैच है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कल जो मुख्य अतिथि है, तो कल के गेम में कौन कौन आने वाले हैं? कल के गेम में हमारे मुख्य अतिथि राजू मोर जी हैं और विकास कुमार सिंगर हैं जो, और ये सुमित काजला, अनु काद्यान है, देव कुमार देवा, ये सभी कल आने वाले हैं। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो तैयारी है लगभग कितने दिनों में आप कर लीजिए? ये तैयारी हमारी 15 दिन से हमारी तैयारी चल रही है और अभी हमारी तैयारी आज समाप्त हो जाओगी, जो हमारा सारा तैयार हो जाएगा सारा सिस्टम। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैट की तैयारी है और तैयारी हमारी पूरी प्रॉपरली तैयारी चल रही है। सो हमारे चेयरमैन साहब है, सीईओ साहब हैं, सोन लाल तुसिया जी ने वो दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं इस प्ले फ्रेम को तैयार करने के लिए। जो यहाँ पर खेल देखने के लिए आसपास के गांव या शहर से आ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या कुछ रहने वाला है? उनके लिए हमारा सबसे पहले तो एंट्री पे होगी और उनका थर्माकोल होगा, उसके बाद हमारे टिकट लगाई गई है और सीटिंग प्लान लगाया गया है। सबसे अच्छी एक अच्छी सुविधा दी गई है जो भी दर्शक आएंगे उनको बैठने के लिए। आपको पता है कि कोरोना जैसी महामारी, उसके लिए मैंने पहले ही अपनी तैयारी कर रखी है, सैनिटाइजर, थर्माकोल करके जब हम अंदर एंट्री करेंगे, चाहे हमारा चीफ गेस्ट है चाहे हमारा कोई भी, हम उसको पहले थर्माकोल स्क्रीनिंग करके जब उसको अंदर एंट्री करेंगे। चेयरमैन हमारे साथ है करमवीर जी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है जय रे आंटी पर और आपको धन्यवाद। राम राम जी। तो सर जो ये कल से जो गेम शुरू होने जा रहे हैं जी, तो क्या कुछ इसका आपको देने वाला है? हमारी तैयारियां फुल हैं, आप कल देखो भी कि हमारे जी 7 बजे से लाइव मैच चलेंगे और ऑल इंडिया से यहाँ पे बच्चे आएंगे। 12 टीमें हमने बना रखी हैं, ऑल इंडिया से प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन ट्रायल के बेस पे हुआ है। जो ये तैयारियाँ भी चली हुई हैं और कर भी रहे हैं, कुछ बाकी है और कुछ हो चुकी है, तो ये कितने दिनों से हो रही है हमारी ये तैयारी? लास्ट 4-5 दिन से चली हुई है। वैसे ट्रायल हमारी लास्ट 6 महीने से चली हुई थी, जिससे ट्रायल बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बच्चों ने ऑल इंडिया से ट्रायल दी थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी तक है जो गेम कितनी बार हो चुके हैं और ये कौन सा सीजन होने वाला है? ये हमारा 9वां सीजन है, इससे पहले हमारे 8 सीजन हो चुके हैं। तुम्हें कहाँ कहाँ पे हुए बताओ। पिछला सीजन हमारा जो लास्ट सीजन 8वां सीजन था वो बेंगलुरु में हुआ था। 7वां सीजन था तो हमारा रोहतक MDU में हुआ था, उससे पहले हमारे सीजन दिल्ली हुए हैं, कुछ सीजन हमारे हरियाणा में भी हुए हैं। तो अब की बार जो प्लेयर आने वाले हैं कहाँ कहाँ से आने वाले हैं बताओगे? वो हमारे महाराष्ट्र से, बेंगलुरु से, MP से, राजस्थान और अन्य स्टेट में है, उत्तराखंड जैसे UP, बहुत सारे स्टेट हैं जो आने वाले हैं, गुजरात। तो कल के मैच बताओगे किस चीज़ के होने वाले हैं? कल का मैच सबसे पहला मैच दिल्ली और हरियाणा का है, फर्स्ट मैच। हाँ सबसे पहला मैच। तो 3 मैच होने वाले हैं? हाँ 3 मैच होने वाले हैं कल। तो दोस्तों ये हमारे साथ थे वाइस चेयरमैन करमवीर जी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ से टीम यहाँ पर आने वाली हैं। और दोस्तों जो सीज़न के बारे में पूछा, ये कौन सा सीज़न जो की बार होने वाला है, वो सब बातें मैंने की। और मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगी और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर वो दिखाए किस प्रकार के यहाँ पर जो तैयारियाँ चली हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जो कल खेल होने वाले हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो तैयारियाँ चली हुई हैं। तो आप तो हमारे साथ जो प्लेयर यहाँ पर जुड़ चुके हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि
जो यहाँ पर वो तैयारी कर रहे हैं कितने दिनों से है जो इन्होंने तैयारी कर ली गई है उसके बारे में जानना चाहेंगे, और ये प्लेयर कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, हम वो सब बातें हम करेंगे। सबसे पहले तो आपको राम राम और नमस्कार जी। जे एन टीवी का धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा आप मेरे को ये बताएं कि आपको ये जो तैयारी है कितने दिनों में आप कर रहे हैं? हम 20 दिन से कैंप है जी हमारा, उनको सब हमारी मेहनत करा रहे हैं दबाके जी। सोनलाल तुलसी जी ने बहुत अच्छा मंच दिया है हमको, गरीब बच्चे हैं, गाँव में बच्चे हैं, छुपा होता है उनका टैलेंट, वो नहीं हो पाता है, यहाँ आके मंच पर खेलते हैं तो देखते हैं, बड़े बड़े कोच होते हैं, उनकी नज़रों में आते हैं तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। कल खेल शुरू होने वाले, तो आपको कैसा मैच कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये कल मैच होने वाला है। 45 केजी का वेट होने वाला है हमारा, 65 का है जी हमारा, 11 नवंबर से होगा। 45 केजी का है कल से। आपका नाम? हर्ष तिवारी है जी, आगरा उत्तर प्रदेश। आपका नाम? मेरा नाम अमन है, मैं करनाल से। अच्छा आप करनाल से हो, तो कल खेल शुरू होने जा रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, जो खेल शुरू होने जा रहे हैं तो हम भी उसमें खेल रहे हैं। मैं 55 केजी में हूँ, हरियाणा योद्धा की टीम से, हरियाणा योद्धा की टीम से मैं। तो इसी कौन सी उस वेट में? 55 केजी। 55 जी, धन्यवाद। तो दोस्तों हमने बात की जो प्लेयरों ने यहाँ पर किस बताया कि इन्होंने कितने दिनों यहाँ पर तैयारी की और कहाँ कहाँ से आए हैं जी। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और दोस्तों जो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी हम आपको न्यूज़ दिखाते रहेंगे, कहीं से भी कहीं तक की कोई न्यूज़ आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आने वाली जो भी कोई वीडियो हो आपको पता चल सके। तो हम फिर मिलेंगे किसी अगले विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।